बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मनकी चांद। दोस्तों, दुनिया के टॉप थ्री में शामिल अमेरिकन ब्रांड एप्पल हर साल की तरह इस साल भी सितंबर के महीने में अपना नया मॉडल लॉन्च करने की तरफ जा रही है और इसमें इत्तला के मुताबिक चार डिफरेंट वर्जन 16 के लॉन्च किए जाने के इम्कान हैं, जिनमें एक जो है वो 16 नॉर्मल, जिसको हम कह सकते हैं वो 6.1 LCD है उसकी, इसी तरह इसकी 16 प्लस 6.7 इंच की है और 16 iPhone 16 Pro 6.3 और iPhone 16 Pro Max 6.9 की LCD पर है। आप ये समझ लीजिए कि हर साल सितंबर के महीने में एप्पल दुनिया भर में अपने नए मॉडल अमेरिका में लॉन्च की करता है और उससे बुकिंग का आगाज़ हो जाता है और डिलीवरी जो दी जाती है एडवांस जो लोग बुकिंग कराते हैं ऑनलाइन की, सबसे पहले उन्हें दी जाती है और ये हमेशा से होता चला आ रहा है, सिवाय एक कोरोना की वबा जब आई थी उसमें दिन आगे बढ़ा दिए गए थे, वरना इस साल भी उम्मीद ये है कि 9 सितंबर को पेश कर दिया जाएगा, लेकिन डेट आगे पीछे हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 9 सितंबर को आईफोन ने एक बड़ी तकरीब का यानी ऐलान किया है, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है, जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं लोग, कि इसमें ये लॉन्चिंग कर दिया जाए एप्पल 16 आईफोन। तो ये भी इत्तला गर्दिश कर रही हैं कि जो आपको ये तो पता है कि जब नया मॉडल लॉन्च होता है तो उससे पहले पिछले मॉडल्स पर रियायत शुरू हो जाती है, डील शुरू हो जाती है, लेकिन एक इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है 15 के बारे में कि 15 सीरीज जो इससे कबल थी उसकी अपग्रेड की ऊपर नीचे चल रहा है। अब देखते हैं इस मामले को कि किस तरह टैकल किया जाता है। इस मरतबा 16 में एक जो सरगोशियाँ चल रही हैं, एक ह्यूमर्स फैला हुआ है, टाइप सी जो है यानी जो लो कैटेगरी में आता है वो भी सी कैटेगरी के हिसाब से एक फ़ोन भी मतारुफ़ किए जाने के इम्कान है, ये ह्यूमर्स फैली हुई है। इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि इस मर्तबा जो चार मॉडल दिए जा रहे हैं उनमें से दो जो है 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स, इनको जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है, यानी इसमें नए जदीद अपग्रेड फीचर्स तो हैं ही सब में, लेकिन इनको जो है वो इसमें खसूसियात कैमरा दीगर चीज़ें अपग्रेड की गई हैं और ये अब तक के जो आईफोन हैं उनमें सबसे बेहतरीन इत्तला ये है कि ये सीरीज़ पेश की जा रही है। तो देखें, एडवांस बुकिंग होगी पाकिस्तान में, इस मर्तबा जो है वो दो डिस्ट्रीब्यूटर पेश करेंगे, जो मुसद्दिक का इत्तलात तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक मर्कंटाइल जो वाया दुबई हैं और एक जी नेक्स्ट हैं। जी नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं एप्पल के, और वो जो एप्पल की नई सीरीज़ आईफोन 16 है इसको डायरेक्ट पेश करेंगे, और इसी तरह वो जो है वाया दुबई जो स्टॉक होता है मर्कंटाइल भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो स्टॉक है वो पेश करेगा। अब देखते हैं कि कब पाकिस्तान में, लेकिन होता ये है कि ये पाकिस्तान में डेट दी जाती है सितंबर की जगह वो आता अक्टूबर में, ऑफिशियल कानूनी तौर पर माल मंगवाया जाता है उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है। तो देखें, लेकिन बुकिंग शुरू हो जाती है दुबई से लाने के रेट बहुत ज़्यादा स्मगलिंग के बढ़ जाते हैं, जो कैरी पे आते हैं अमेरिका से और दीगर जगहों से कैरी पे आने के रेट 30 से 40 और 50 हज़ार रुपये पर फ़ोन हो जाता है। तो जो कमाने का मौका है, अब फिर दोबारा
उम्मीद है कि हासिल हो सकेगा कैरी पर लाने वालों के लिए, क्योंकि आईफोन के चाहने वाले चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने हाथ से नया फ़ोन ओपन करें। तो देखिए, मज़ीद खबरें सुनने से पहले, जाने से दूसरी खबर पर जाने से पहले चैनल की अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इन दिनों इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फिनिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह फाल हो चुके हैं, और इसमें सबसे पहले इब्तिदा जो की भवानी मोबाइल, जो उनके कराची के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने एक कामरान भवानी और अब्दुलरहमान मुकाती साहब ने एक अशाइये का एहतमाम किया जिसमें डीलर्स तमाम मदु किए गए। इसी तरह उसके बाद फौरी तौर पर जो है 7 के 7 यानी अगले दिन ही इत्तला के मुताबिक जो हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ उसमें भी जो ज़िशान मियानूर की और दीगर दोस्तों की उनकी तरफ से हैदराबाद में अशाइया डीलर्स के एजाज़ में दिया गया, जिसमें इंटीरियर सिंध के लोगों ने भी शिरकत की और बहुत ज़बरदस्त सुफियान खत्री और उनकी टीम उनको अटेंड कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। और तीसरा प्रोग्राम जो है, दो प्रोग्राम, तीसरा नहीं कहे, तीसरा और चौथा दोनों प्रोग्राम सिकोटेल ने किए, एक मुल्तान में किया और दूसरा गुजरावाला में किया। ये भी ज़बरदस्त प्रोग्राम रहे, इसमें जो सिकोटेल के हेड हैं वो मौजूद थे, सेल्स के सारे मामला लुक आफ्टर करते हैं सलीम अनीफ साहब, इसी तरह उसमें अफजल साहब थे, हमूद सलार थे, फैसल मिर्ज़ा साहब ने मुल्तान और गुजरावाला में उनको अटेंड किया इनके साथ। इसी में इन्फिनिक्स की जानिब से जो है, अच्छा ये मैं बताता चलूँ, कराची में मिस्टर साइमन भी थे, शाहजेब भी थे, इन्फिनिक्स का जो प्रोग्राम हुआ था भवानी का, शाहजेब थे, साइमन थे, इमरान साहब थे, और जो हमारे दूसरे दोस्त जो है वो भी मौजूद थे। इसी तरह और दीगर जो यहाँ प्रोग्राम हुए है उसमें भी यकीनी तौर पे हाई कमान थी, लेकिन वहाँ से फ़ाहिद अहमान थे, मुल्तान और के प्रोग्राम में फ़ाहिद अहमान साहब ने शिरकत की इन्फिनिक्स की जानिब से। ये प्रोग्राम हुए बड़े शानदार हुए, बड़े डीलर्स आए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे एक साथ ही स्विच ऑन हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिक्स इंतज़ामिया और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान रबते हुए, जिसके तहत उन्होंने फाल होने की कोशिश शुरू कर दी है, बल्कि अमली तौर पर कर दी है। अब प्रमो कर रहे हैं ब्रांड को, या उनको दावत दे रहे हैं ख़रीदारी की, या जो भी कुछ है अपने आगे के मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो देखें अब दूसरी कंपनियां कौन सी नमोदार होती हैं जो इस वक्त के हालात के तहत फुल फ्लैश बाहर आन के काम करने के लिए अपने डीलर्स को मधु करती हैं अशाइये पे या जोहराने पर, किस शहर में आते हैं किस शहर में जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इत्तला यही गर्दिश कर रही है कि दूसरी कंपनियां भी अब फ्रंट फुट पे आने के लिए तैयार है, जिसमें टेक्नो है, जिसमें क्या कहते हैं आईटेल ने तो आपके सामने कर दिया जो भी प्रोग्राम कर दिया था, जिसमें अब टेक्नो रहते हैं, टेक्नो करते हैं, सैमसंग भी प्रोग्राम बना रहा है, इत्तलात के मुताबिक होता है या नहीं होता है कि अलहदा मामला है। और इसी के साथ शॉमी भी दिलचस्पी ले रहा है, वो ये भी बताता चलूँ कि अपने गैर मुल्की दौरों में ये तकरीबन टीमें लगी हुई हैं, मैं तफसीलात अलहदा दूँगा गैर मुल्की दौरों की, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि इन्फिनिक्स फ्रंट फुट पर आ गए हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, इंतज़ामिया भी उनके हमरा शरीक है। देखें खबरें बहुत सी हैं, फिर आपको खबरें देता रहूँगा, लेकिन दरख्वास्त है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।